सबको नमस्कार। अभी जो कर्नाटक के अंदर बजट आया, उस बजट के अंदर अगर आप गौर से देखा तो बसो कल्याण और बीदर के लिए उसके अंदर जो हमने उम्मीद रखे थे वो कुछ भी उस बजट के अंदर नहीं दिया गया। बीदर के लिए जो फोर्ट है वो डेवलपमेंट के लिए कुछ, वो भी हर फोर्ट के लिए गुलबर्गा समेत ऐसा कुछ पैसे दिया गया है, लेकिन बसो कल्याण के जो फोर्ट है, 12th सेंचुरी का फोर्ट है, उसको इस बजट के अंदर निग्लेक्ट किया गया है। और इसी तरह विशेष कर बीदर जिले को इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। और कर्नाटक के अंदर बीदर जिला सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है और ऐसे जिले को सबसे ज्यादा मदद मिलनी चाहिए और सबसे ज्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बीदर को इस बार कोई स्पेशल अनुदान नहीं मिला। और इसके साथ साथ बसो कल्याण में जो बसो कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी कोई स्पेशल फंड इस बजट में नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे बसो कल्याण में जो होने वाले काम है उस पर असर पड़ेगा। और पूरा अगर बजट को देखे तो दिल्ली मॉडल का मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जिक्र किया गया है, वो एक अच्छा कदम है, लेकिन वो तभी संभव है, 40% भ्रष्टाचार चल रहा सरकार के अंदर, वो अगर मिटाए तो ही वो दिल्ली मॉडल जो मेडिकल सिस्टम है वो यहाँ पे संभव हो सकता है। और उसको छोड़ के बाकी पर अगर स्पेशल अगर बीदर बसो कल्याण पर गौर करें तो इस बजट के अंदर कुछ नहीं दिया गया है हमारे लोगों को। जय हिंद।